है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में झलपा अहमदाबादी। आप देख रहे हैं ब्लैक वाई बार्ट। अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आज मैं पाउडर का यूज़ करके ब्रश से कैसे डार्क वैल्यू देते हैं वो बताऊंगी। शेडिंग के ऊपर 3 वीडियो बनाऊंगी जिससे एक ही वीडियो में सारा कवर ना करना पड़े और वीडियो लंबी ना हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट में डार्क वैल्यू कैसे देते हैं वो बताऊंगी, जो आज का वीडियो रहेगा। और सेकंड पार्ट में ये वाला ब्रश यूज़ करके लाइट और स्मूथ वैल्यू कैसे देते हैं वो बताऊंगी। और थर्ड पार्ट में लंबे हेयर वाला ब्रश यूज़ करके लाइट और स्मूथ वैल्यू कैसे देते हैं वो बताने वाली हूँ। ये दो ब्रश से सेम ही शेडिंग होगी, लाइट और स्मूथ, पर ये बड़े हेयर वाला जो ब्रश है उससे बड़ा एरिया हम कवर कर सकते हैं, जिसमें हम छोटा ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हम बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चारकोल पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, वो मैंने ले लिया है। फेस पे शेडिंग करना हो तो मैं ग्राफिक का यूज़ करती हूँ, पर अभी मैं चारकोल का यूज़ करने वाली हूँ। चारकोल का यूज़ हम फेस पे नहीं कर सकते क्योंकि डार्क हो जाता है। हमें यहाँ से ब्रश को होल्ड करना है और फिर ब्रश को पाउडर में घुमाना है। पाउडर को ब्रश में लेना है धीरे धीरे से करके और फिर वहाँ पर चेक करना है कि पाउडर ज़्यादा नहीं आ गया ना। अगर ज़्यादा पाउडर लग जाता है तो पैचेस आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं ब्रश से कैसे बॉक्स को फिल कर रही हूँ। अभी वीडियो स्लो मोशन में है पर थोड़ी देर में ही फास्ट मोशन में हो जाएगा। पूरे पेशेंस के साथ ब्रश यूज़ करना है, पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए। मैं लेयर वाइज बॉक्स में शेडिंग करूँगी। पहले लेयर में लाइट शेडिंग, सेकंड लेयर में थोड़ा डार्क और थर्ड लेयर में थोड़ा ज़्यादा डार्क, ऐसा करके हम लेयर वाइज शेडिंग करेंगे। अभी सेम वही ब्रश है पर थोड़ा बड़ा है, मैंने चेंज किया वो ब्रश। मेरे से एक पैच आ गया है पर पैच नहीं आना चाहिए, बहुत धीरे से वर्क करना है। ब्रश का यूज बहुत धीरे से करना है हमें। लास्ट पार्ट में मैं यह भी बताऊंगी कि ब्रश को क्लीन कैसे कर सकते हैं, कि हमें ब्रश को वॉश करना है या किसी और तरीके से क्लीन करना है वो मैं बताऊंगी लास्ट पार्ट में। ब्रश पे प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। हम ब्रश को जब चला रहे हैं तो बॉक्स में उसे पाउडर के साथ ऊपर से नीचे की तरफ चलाना है जिससे पैचेस कम आएंगे। अब मैं दूसरा लेयर दे रही हूँ, दूसरा लेयर भी कंप्लीट होने वाला है। पेशेंस रखना है, पेशेंस नहीं रखेंगे तो नहीं ख़त्म होगा। धीरे धीरे से ब्रश को यूज़ करना है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पाउडर का यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, पर प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये पाउडर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से बनाया है, उसका जो पाउडर निकलता है जब हम शार्प करते हैं वो पाउडर है। अभी मैं थर्ड लेयर दे रही हूँ जिससे डार्क हो जाएगा। हमें कोशिश करनी है कि बॉक्स के अंदर ही ब्रश का यूज़ करें, बाउंड्री के ऑपोजिट ना चला जाए ब्रश। अब मैं सेकंड लेयर में थोड़ा स्पीड में वर्क कर रही हूँ, इसीलिए थोड़े पैचेस भी आ रहे हैं, पर आपको स्पीड में नहीं करना है, धीरे से और अच्छे से करना है। अभी आप देख सके इसीलिए मैंने स्पीड कम कर दी है। और हमें ध्यान रखना है कि ब्रश में पाउडर ज़्यादा ना आ जाए।
आप देख सकते हैं पैचेस नहीं आए हैं। अगर पैचेस दिखते हैं तो हम नीडेड इरेजर का यूज़ करके उसे इरेज कर सकते हैं। ये नीडेड इरेजर है, उसका यूज़ करके हम इरेज कर देंगे। अब मैं जो राउंड का एरिया है उसे क्लीन कर रही हूँ जिससे बॉक्स अच्छा लगे। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइट और स्मूथ वैल्यू के साथ।